नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के स्कूलों में अभी नहीं देनी होगी बढ़ी हुई फीस, एससी ने लगाई रोक। पीएम मोदी के बायोपिक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 8 अप्रैल को सुनवाई। सीएनजी के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी, दिल्ली में 1 रुपया एनसीआर में 1.15 पैसा महंगी। उर्मिला के बाद राजपाल यादव भी होंगे कांग्रेस में शामिल, शीला दीक्षित से की मुलाकात। केजरीवाल संग राहुल देश को तोड़ने की रच रहे साजिश, मनोज तिवारी ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली में अवैध हथियार सप्लाई करने आए 2 तस्कर गिरफ्तार, 92 पिस्टल और कार बरामद। फतेहपुर देरी थाना पुलिस ने 1.20 करोड़ रुपए ठगने वाले बिल्डर को किया गिरफ्तार। अलका लांबा के चैलेंज पर सौरभ भारद्वाज का तंज, खाली होता तब भी नहीं जाता। पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक, नोएडा से फर्जी आईएफएस कपल गिरफ्तार, अफगानिस्तान करेक्शन को हो रही है जांच। केजरीवाल बोले, अगर बेईमान सरकार होती तो पैसे खाकर कोर्ट में नहीं करती अपील। केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव की मुसीबत बड़ी, तीनों के खिलाफ आरोप तय। ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी है गंभीर बीमार, दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी 3 महीने की पैरोल। हुड्डा बोले, लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, पार्टी कहेगी तो कहीं से भी उतरूंगा। कपड़ों की पैकेजिंग पर हो रहा है बीजेपी का प्रचार, व्यापारियों ने चुनाव आयोग में की शिकायत। दिल्ली में रोहिणी से 92 पिस्टल बरामद हुई हैं और 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी का चुनाव आयोग जवाब, पार्टी से नहीं हुई कोई भी लेना देना नहीं। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा बैन करो। चुनावी मौसम से काले धन पर शिकंजा, ईसी ने अब तक 15,082 करोड़ रुपए की नगद राशि और सोना और शराब जब्त किए। आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 पॉइंट की कटौती, अब होम लोन होगा सस्ता। जनरल वीके सिंह, अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत नहीं है, वो देशद्रोही भी है। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।